Noise. Jadi sounds guna ajoi PCD kerana tulis juga ini. Aku kembali ke langit api sasya. Gary or Gary. हे ईश्वर हे जगदीश आपकी कृपा से आज का दिन अद्भुत दिन मिला है। आपकी कृपा से आज छठे दिन में प्रवेश हो रहा है। हमारी जागृति एलर्टनेस काफी बढ़ चुकी है। बस ये एलर्टनेस खुद के बारे में दिन ब दिन बढ़ती जाए। और ईमानदारी पूर्वक इंस्टेंट कॉन्स्टेंट करेक्शन होता जाए। इंस्टेंट कॉन्स्टेंट पूर्व संस्कारों को हटाकर आपका दिया हुआ मार्ग स्थापित करते जाए ऐसी कृपा करना ऐसी कृपा करना ऐसी कृपा करना। हमेशा आनंद में रहूं मुस्कुराता रहूं सबसे मैत्री में रहूं। कुछ भी हो जाए सबको उपयोगी बने और पूर्व संस्कारों को निकालता रहूं। बस ये मेरी साधना 2400 घंटों चलती रहे लाइफ स्टाइल रुकी रहे आदतें बन जाए ऐसी कृपा करो कृपा करो कृपा करो कृपा करो कृपा करो। रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। हे सिमंदर स्वामी जीवित तीर्थंकर परमात्मा केवली भगवंत सर्वसिद्ध परमात्मा सर्वसाधु परमात्मा सद्गुरु भगवान गुरुजन सर्व माता पिता सर्व गुरुजी आप सब की असीम असीम कृपा हम पर बरसती रहे ऐसी कृपा कृपा करो कृपा करो कृपा करो रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो हित करो हित करो हित करो माफ करो माफ करो माफ करो मुक्त करो मुक्त करो मुक्त करो परम मुक्त करो परम मुक्त करो परम परम गुण करो परम गुण करो परम गुण करो परम गुण करो।
नमो जिरा नमो जिरा नमो जिरा। नीचे की तरफ दृष्टि करते हुए जीने से नहीं।
जो है वो ऐसी असीम असीम कृपा मुझ पर करना हे परमात्मा, ऐसी असीम कृपा हमेशा रहे सदा। पूर्व संस्कारों के मेरे जरा करते रहे ऐसी कृपा सोचल में भी प्रतिक्रमण हो घर परिवार कैसे भी हो I thank you, God bless you.
I thank you, God bless you, people.
thank you. God bless you, in spite of you. Apprezzibio, I love you. Apprezzibio, I love you. Apprezzibio, I love you. Apprezzibio, I love you. I love you. I thank you. God bless you because of you. I love you. I thank you. God bless you in spite of you. Apprezzibio. I love you. Apprezzibio. I love you. Apprezzibio. I love you. Apprezzibio. I love you. I love you. I thank you. God bless you because of you. I love you. I thank you. God bless you. I love you. Apprezzibio. I love you. Apprezzibio. I love you. Apprezzibio. I love you. Apprezzibio. I love you. I love you. I thank you. God bless you because of you. I love you. I thank you. God bless you in spite of you. I love you. Apprezzibio. I love you. Apprezzibio. I love you. Apprezzibio. I love you. I love you. I thank you. God bless you because of you. I love you. I thank you. God bless you in spite of you. Apprezzibio. I love you. Apprezzibio. I love you. Apprezzibio. I love you. Apprezzibio. I love you. I love you. I thank you. God bless you because of you. I love you. I thank you. God bless you in spite of you. Apprezzibio. I love you. Apprezzibio. I love you.
I thank you. God bless you because of you. I love you. I thank you. God bless you. In spite of you, I bless you. I love you. I bless you. I love you. I bless you. I love you. I love you. I thank you. God.
I love you, I thank you, God bless you, in spite of you.
आप सबको आशीर्वाद है, घर परिवार काम काज का परिवार अड़ोस पड़ोस मित्रगण सेवा सत्संग सगे संबंधी समाज देश और विश्व के लोग विश्व के निवासी लोग समाज देश और विश्व को चलाने वाले सदस्यों सर्वजीव आप सबको आशीर्वाद दें। प्रभु के ऐसे अद्भुत मार्ग में आकर नई नई सेवा और पूर्व संस्कार का नामोद करना यही मानव जीवन का सार है। सबको आशीर्वाद, सब का मंगल कल्याण हो। नई पीढ़ी जो हमारे एकदम गरीब होते हैं उनके लिए तुम हो I
process in the stretch, relax, observe, enjoy, friendships. पैरों की उंगली से शुरू करते हैं, सबसे पहले तो पैरों की उंगली स्ट्रेच 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 रिलैक्स रिलैक्स ऑब्जर्व एंजॉय फ्रेंडशिप ऑब्जर्व एंजॉय फ्रेंडशिप पैरों की उंगली के अंदर जो भी तनाव थे पैरों की उंगली के तनाव हमारे पूरे मस्तिष्क पर कनेक्टेड होते हैं पैर से मस्तिष्क पर हमारा पूरा सर्किट कनेक्टेड होता है इंटरकनेक्टेड तो ये जब भी हम पैरों में जो भी कार्य करते हैं उसकी असर मस्तिष्क पर वापस हो एक बार पैरों की उंगली स्ट्रेच 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 रिलैक्स 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 ऑब्जर्व एंजॉय फ्रेंडशिप ऑब्जर्व एंजॉय पैरों के उंगली से ये जॉइंट्स हैं मैं फ्री करो दोस्ती करो बातचीत करो अब दूसरा जॉइंट एंकल पैरों के एंकल दोनों तलवे जॉइंट करके आगे की ओर स्ट्रेच 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 धीरे से एंकल ऊपर तलवे ऊपर रिलैक्स Observe, enjoy, and rest. पैरों के एंकल के तनाव टूट रहे हैं उस कारण उठाएं हमारे विचार और भावनाओं का जो स्ट्रेस है वो सब जॉइंट्स में जमा होते हैं इसलिए हमारा बॉडी अकड़ हो जाता है हम वो सब पकड़ता को फ्लेक्सिबल बना रहे हैं जैसे जैसे बॉडी जितना फ्लेक्सिबल होगा उतना उतना हमारा स्वास्थ्य इम्प्रूव हो जाएगा और एक बार दोनों पैरों के तलवे आगे की ओर ले जाएं स्ट्रेच 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 रिलैक्स रिलैक्स ऑब्जर्व Enjoy friendship. Observe, enjoy friendship.
observe, enjoy friendships. Relax, observe, enjoy your friendships. पैरों की उंगली, पैरों के एंकल्स, कांटे के अंदर जो भी तनाव था वो सब टूट चुका है, उसे एंजॉय कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, एंजॉय कीजिए, दोस्ती कीजिए, बात कीजिए, जॉइंट के साथ बातचीत. Observe, enjoy friendship. पैरों की उंगली, पैरों के एंकल्स के अंदर जॉइंट्स के अंदर ऑब्जर्व एंजॉय जो तनाव टूट चुके हैं उसका आनंद लीजिए, एंजॉय कीजिए फ्रेंडशिप की. अब दोनों हाथ एक साइड में ले जाइए और हाथों के सपोर्ट से सोना है, हाथ और कोहनी के सपोर्ट से.
दोनों पैर को इकट्ठे कीजिए, हाथ शरीर के बाद में रखते हैं। अब पैरों की केली अपने बटन से और ले जाना है, घुटने को उठाना है। दोनों घुटने को उठाते हुए पैर को स्लाइड करना है, स्लाइड करके बटन से ले जाना है। जितना नजीक हो सके उतना नजीक ले जाए। घुटने के तनाव दूर रहे हैं, ऑब्जर्व घुटने के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। वापस दोनों पैर स्लाइड करके सीधा करके घुटने सीधे कर दिए। धीरे धीरे पैर को सीधा रिलैक्स, ऑब्जर्व एंजॉय फ्रीक्वेंसी। अब दाहिना पैर उठाइए सीधा ऊपर, जितना हो सके उतना ले जाइए। जितना हो सके उतना ले जाइए ऊपर, स्थिर कीजिए 15 सेकंड। धीरे 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 ऊपर उठाए।
जितना हो सके उतना ले जाइए, स्थिर रखे ऊपर।
दाहिना घूमना बाएं पल्ले की रोली में, दाहिना घूमना बाएं पल्ले की रोली में। वहां स्टे कीजिए 10 से 15 सेकंड। अब दोनों हाथ के सपोर्ट से कमर को दोनों हाथ से पहले को टच कीजिए।
observe and enjoy. Elohim, heal the joints, ankle joints, Elohim, Gandhi, good man. Hip joint, pelvis joint, or common. Observe each subject along to today. Scanner of hand. और पेट के ऊपर दबाए करवट लेके दोनों हाथ से वापस उठिए हाथ बंद रखना है हाथ और कमी से सपोर्ट लेकर बैठिए से मसाज
butterfly दाया फ्लेम हाथ में लेकर पूरा तलवार दाया फ्लेम हाथ में लेकर पूरे तलवे को प्रेस करना है दोनों अंगूठे से भाग पर जहां ज्यादा दर्द होता है वहां ज्यादा दबाना है अंगूठे से तलवे का एक एक भाग पे प्रेस कर रहे हैं पेट हो जाए उसके बाद दूसरा पैर लेना है जहां दर्द है वहां ज्यादा प्रेस करना है पूरा तलवे को कवर करना है कोई भी बात बच न जाए और बातचीत करते रहना है जहां भी आप कार्य कर रहे हो उससे बातचीत करो कैसे लग रहा है
हलवे का हर एक भाग पे प्रेस कीजिए, ज्यादा दर्द होता है वहां ज्यादा प्रेस कीजिए। दोनों पैर होने के बाद हथेली एक हाथ से दूसरी हथेली करनी है, पूरी हथेली को प्रेस करना है अंगूठे से। एक हाथ बोल रहे हैं, दूसरा हाथ अब ड्यूटी के नीचे स्पर्श वाचल में जनेन्द्रिय और सप्तम स्पर्श वात्सल्य नेत्री डाइजेस्टिव सिस्टम के हर एक ऑर्गन में वात्सल्य
feet. बदन के आसपास के मसल्स अंगूठे से स्पर्श मार्ग से बंधे हुए chest clockwise anti-clockwise. कंधों के साथ हाथ दोनों हाथ अब दोनों मोटी छाती के समक्ष स्ट्रेच क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रिस्ट पोजिशन
relax, relax, observe, enjoy. पैरों की उंगली से अंधे तक शरीर में इतनी बात से मैत्री की है उस पर जो पैरों की उंगली से अंधे तक उंगली रिलैक्स हो जाती है. एंजॉय जाए हर एक आगो पान से बात की माने जिनके साथ आपने मैत्री की है सबके साथ बात की है दोस्ती एंजॉय एंजॉय. सारे तनाव चुके हैं उसको एंजॉय कीजिए बातचीत. दोनों हथेली कंधे पे रखे होली मिलाई दो राउंड क्लॉक वाइज और दो राउंड एंटी क्लॉक वाइज होली को मिलाई. Two round clockwise, two round anti-clockwise. Or, and they can turn around the two rounds by joint. Four day, two round. Three, three. दोनों हाथ घूमने पे पीठ सीधी जल्दी से दाढ़ी को छाती से लगाइए. धीरे धीरे दाढ़ी को ऊपर ले जाए आकाश की तरफ. ऊपर पहुंचने के बाद स्ट्रेच वहां दस के लगे वापस नीचे की ओर छाती द्वारा नीचे भी है नॉर्मल पोजिशन में. अब डाली को दाहिनी ओर ले जाए कंधे दाहिने कंधे की ओर कंधे तक पहुंचने के बाद स्ट्रेच 10 सेकेंड बाद स्ट्रेच मोर बैक. Stretch. 10 seconds.
बस ड्राइविंग के वाले थे धीरे धीरे। स्ट्रेच धीरे धीरे बैक योर लिवर स्ट्रेच अभी नॉर्मल पोजिशन में और छाती से हो जाए। दो राउंड क्लॉकवाइज, दो राउंड एंटी क्लॉकवाइज, गर्दन को घुमाए धीरे धीरे करना है, कोई झटका नहीं देना है, मैत्री पूर्वक करना है। दो राउंड क्लॉकवाइज, दो राउंड एंटी क्लॉकवाइज, जाने के बाद रिलैक्स ऑब्जर्व एंजॉय गर्दन को ऑब्जर्व कीजिए, सारे तनाव दूर चुके हैं, पैरों की उंगली से लेकर गर्दन तक सारे जॉइंट्स के तनाव दूर चुके हैं, सारे बॉडी पार्ट्स के तनाव दूर चुके हैं। एंजॉय दिस, हैव अ स्माइल फेस, अब गर्दन पे स्पर्श वाच से लगाई थी मसाज, बैक और शरीर कान के पीछे है,
पूरा करना है। रिलैक्स, ऑब्जर्व, एंजॉय फ्रेंडशिप मस्ती से लेकर तैर होता है। पूरा शरीर रोमांचित हो चुका है। स्पर्श वात्सल्य मैत्री मसाज और लॉन्ग सर्व मैत्री से हर एक जॉइंट के तनाव छूट चुके हैं। एंजॉय दिस स्टेट, व्यवस्था का आनंद लीजिए। तनाव मुक्त शरीर और रोमांचित शरीर। ऑब्जर्व हर एक शरीर के हर एक भाग में ऑब्जर्व कीजिए, आनंद लीजिए, बातचीत कीजिए, दोस्ती कीजिए।
पूछिए खुद के शरीर से कैसे लग रहा है। अब हम आपके मित्र हैं, आपकी केयर लेंगे। आज तक हम अज्ञानी थे, हम आपकी केयर नहीं ले रहे थे, खाली वापर मिलते हैं आपको। अब हम केयर लेंगे आपकी, मित्र करेंगे। वज्रासन में दोनों हथेली दोनों पैरों के बीच और कोनी पेट के ऊपर नाक की गर्जना करनी है। श्वास अंदर लीजिए, आंख को फाड़ना है, मुंह को फाड़ना है, सीख जीभ को बाहर निकालना है। सांस लीजिए, और एक बार सांस लीजिए गहरी। आहार लेने की शास्त्रीय पद्धति ये है, या आहार के बाद इस वज्रासन में बैठना है, या वज्रासन करते करते खाना खाना है। खाना खाने का आप लोग एक आसन बताते हैं, शौचासन। बैठो, शौचासन। जिंदगी में कभी इन आपको आहार का प्रॉब्लम नहीं होगा, इंडाइजेशन नहीं होगा, ऐसे खाना है। समझ में आया? ऐसे खाना है और ऐसे निकालना है। वेस्ट वेस्ट, ये कुदरती है। समझ में आया? जिंदगी में कभी आपको रोग नहीं हो सकता आहार के कारण, ठीक है। चलो जी, सुखासन में बैठो, दोनों हाथ घुटने पर, पीठ सीधी, गर्दन सीधी। आई बॉल्स आंखों की कीकी ऊपर टॉप ले जाओ, ऊपर स्ट्रेच, नीचे स्ट्रेच, ऊपर
स्ट्रेच नीचे स्ट्रेच ऊपर स्ट्रेच नीचे स्ट्रेच साइड राइट स्ट्रेच लेफ्ट स्ट्रेच राइट स्ट्रेच रिलैक्स ऑब्जर्वर मस्तिष्क से लेके पैरों की हड्डी तक पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है, नाच रहा है, आनंदित है, रोमांचित है, एंजॉय दिस स्टेट ऑफ होल बॉडी। पूरा शरीर आनंदित से भरा हुआ है, फ्री है, स्ट्रेस फ्री, कोई तनाव नहीं। Thank you.
ऑब्जर्व एंड एंजॉय। अंदर के सारे जहर, एसिडिटी, स्ट्रेस, जहरीला एनर्जी, पॉइजन से एनर्जी सब बाहर फेंक दी है। शरीर को नुकसान करने वाली सारी एनर्जी बाहर फेंक दी है। वायरस को गले से सारा बाहर फेंक दिया है। वायरस फ्री हो चुका है हमारा थ्रोट, और जितने स्ट्रेस के परमाणु थे सारे बाहर फेंक दिए। पूरा कोई इलाका खुला हो गया। एंजॉय दिस स्ट्रेस फ्री बॉडी, स्ट्रेस फ्री एनर्जी। अब टॉनिक क्रिया तीनों दिशा में 25 से 30 फोर्स स्वीकार, भोजपुरी सांस लेना है, भोजपुरी सांस बाहर निकालना है। हाथ दूर जाए पर सांस अंदर लेना है, भोजपुरी हाथ दूर जाने पर सांस बाहर निकालना है। स्टार्ट रिलैक्स, ऑब्जर्व एंड एंजॉय। पूरा शरीर फ्रेश एनर्जी से भर चुका है, तनाव मुक्त शरीर, तनाव मुक्त एनर्जी और फ्रेश एनर्जी। एंजॉय हर एक कोने में, शरीर के एक एक कोने में फ्रेश एनर्जी आ चुकी है। पूरा शरीर एनर्जाइज हो चुका है। घोड़े जैसा नाच रहा है शरीर, हर एक रोम में रोमांच है। एंजॉय दिस स्टेट, इस अवस्था को आनंद लीजिए। और ये सब कुछ हमें अपनी लाइफ में घर जाकर कंटिन्यू करना है।
सुबह को तक कम से कम 2 घंटे मिला लें जो किसी करें। 10% डेडिकेशन शुड बी देयर फॉर योर ओन सेल्फ, शरीर प्राण चित्त मन बुद्धि के ऊपर, अपने ऊपर जो इन्वेस्टमेंट करेगा कभी बीमार नहीं पड़ेगा, कभी उसके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं आएगी, मन और बुद्धि एकदम अलर्ट रहेंगे, जिसका ये होगा उसके धन संपत्ति का कोई प्रॉब्लम समाधान नहीं बनता है। बैलेंसिंग प्रक्रिया व्हाट एंड कॉल्ड एनर्जी बैलेंसिंग अनुलोम विलोम समग्रती प्राण क्रिया, बाएं से सांस लेना है, दाएं से निकालना है, दाएं से लेना है, बाएं से निकालना है, स्टार्ट।
निकाल कर रिलैक्स ऑब्जर्व एंजॉय. पूरा शरीर प्राण चित्त मन बुद्धि बैलेंस हो चुका है, समतामय हो चुका है, मोटे मोटे एनर्जी बैलेंस है, चित्त मन बुद्धि बैलेंस है, समतामय आनंद में मुस्कुराहट है, जॉय शेप है. एंजॉय दिस होल बॉडी एनर्जी चित्त मन बुद्धि पूरा स्थिर आनंद आनंद free, enjoy this freedom, enjoy it. Samta means joy, Samadhi means joy, state of freedom. Svatantrata ki avastha, mukti ki avastha, yehi hai Samadhi aur Samta. Ye hame 24 ghanton mein feel karna hai, is prakar. Sabse maitri seva, guru sanskar, kundalini uchi. सबको मुक्त करना है, अपने आप आत्मभक्ति हो जाएगी. पीठ सीधी गर्दन सीधी दोनों हाथ जुड़ने पर आंखें खोल कर लेकर मेरी सांस लीजिए.
नीचे की तरफ कृषि करते देखते बच्चे नीचे So, how are you? Fine and fresh. Very fresh, the top of the world. Yeah. अब सब कुछ अंदर घुस रहा है कि नहीं? लाभ हो रहा है कि नहीं? कितने को लगता है कि यहाँ आकर वसूल हो गया? हाँ, अगर ऐसा लगता है तो you have to give back. You have to give back by सेवा, पांच सेवा। ये जो आप सीख रहे हैं, आपके आसपास के लोगों को सिखाओ। करोगे क्या? हाँ, yes। अभी यही काम गुरुकुल करते जा रहा है, साइंटिफिक ऑनलाइन गुरुकुल, घर घर जाएगा। आप तो कम से कम 1000 घर के अंदर प्रवेश करना है, सबको जगा कर। एवरी वन यहाँ जितने हैं सबको 1000 का टारगेट रखना है, 1 साल का 1000 घर तक पहुंचाना है, सबको ज्वाइन करना है। करा सकते हो क्या? ये है तन सेवा, अनुमोदना। जो भी हमारे आसपास हो रहा है उसमें से जो कंस्ट्रक्टिव हो रहा है उसकी अनुमोदना करो, नेगेटिव हो रहा है उसकी तरफ ध्यान मत दो, कंस्ट्रक्टिव होता है उसकी अनुमोदना करो और आप कंस्ट्रक्टिव कार्य करो। जो नेगेटिव के ऊपर विजय पाना है तो उसकी क्रिटिसिज्म नहीं करना है, हमें अपने ऊपर ध्यान देना है, दूसरों के ऊपर ध्यान नहीं देना है। Focus on self, not on others. Others आएंगे तो उसको आप कैसे useful बनेंगे उतना ही ध्यान रखना है। वो क्या कर रहा है, वो ऐसा गलती कर रहा है, वो ऐसा है, वो सब अपने अपना काम है, वैसा है। जो भी है उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों में ज्वाइन कराओ। आपका काम नहीं है लोगों को समझाना, आपका काम है लोगों को यहाँ तक पहुँचाना, क्योंकि आप कभी जिंदगी में नहीं समझा पाए। जैसे जैसे अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे आपका लोगों को आपके ऊपर विश्वास आएगा, खुद में परिणाम होगा तो आप दूसरों को दे सकते। समझ में आ रहा है? यू कैन ओनली ट्रांसफर व्हेन यू हैव इट। और ये प्रोसेस है, ये प्रवचन व्याख्यान माला नहीं है, ये प्रयोग होगा, स्वयं प्रयोग करना है, प्रयोग से परिणाम पाना है और जगत को बांटना है, आपका परिणाम बांटना है, आपका परिणाम तो लोग सुनेंगे। प्रवचन व्याख्यान मारा थोड़े टाइम इंप्रेस होंगे, फिर आपको चाय पे कर देंगे, जमा नहीं चलेगा। सो डू दिस समय सेवा, तन सेवा, एप्रिशिएशन सेवा, धन सेवा, जितना भी है आपके पास सेविंग्स में उसका 10% 1 साल में करते रहो। जिंदगी में आपकी फाइनेंस कदर कभी नहीं है। ये पांच सेवा करोगे आपकी कोई स्ट्रगल नहीं रहेगी, स्ट्रगल नहीं रहेगी, तकलीफें बंद नहीं होगी, तकलीफ तो अपना को कर रहा है तो वो आती रहेगी, आप जीतते होंगे। ये गेम है आपकी। अभी अभी तक हम लोग तकलीफ से दब जाते थे, हार जाते थे, रास्ता नहीं था। अभी जब आपके पास रास्ता आ गया, लगे रहो मुन्ना भाई, कंटिन्यूस लगे रहो और सेवा होगी तो आपके जीवन में ये जागरूक रहेगा, सेवा नहीं होगी तो ये जागरूक नहीं रह सकता है। खाली सुनने समझने से कुछ नहीं होने वाला है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, पॉल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। कंसिस्टेंट
ट्रांसफॉर्मेशन, पर्यूषण महापर्व एनु ध्यान साधना आर द कंसिस्टेंट प्रोसेसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। परम सुख के अंदर सिमंदर स्वामी की कृपा से पांच साधना होती है, पर्यूषण महापर्व, नवरात्रि शक्ति आराधना, नव ज्ञान साधना 15 दिन की होती है। अभी इसके बाद हम आसो मास में 4th October to 17th October सिद्ध चक्र महायंत्र के साथ, शक्तिपीठ के साथ शक्ति आराधना और नव ज्ञान साधना, ये दूसरी साधना है। तीसरी साधना हम तीर्थों में जाते हैं बाहर, वहाँ पर प्रभु की वाणी नॉन स्टॉप सुनते हैं, फिर उस प्रकार जीते हैं, विचरण करते हैं, चेन मार्ग ट्रैकिंग, और ट्रैकिंग करते करते एंजॉय करते पूरे कुदरत को। इस बार नेपाल जा रहे हैं, जिनकी भावना है, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं और यहाँ है, आप सबको गुजारिश है साल भर ये प्रवृत्तियां हर महीने चलती रहती है, आपको जागरूक रखने के लिए, अलर्ट रखने के लिए। और उसके बाद दिसंबर में दो पर्व है, मानव जीवन जन्म महोत्सव, सेवा महोत्सव, 5 दिसंबर के आसपास जो संडे होगा, मानव जीवन जन्म महोत्सव, यानी कि मानव जीवन को सेवा में कन्वर्ट करने का महोत्सव, इफेक्टिवली विथ अटेंशन अवेयरनेस एंड अलर्टनेस, सेवा की जागरूकता। और उसके बाद उद्यान, एंड देन स्टार्ट विद बैंक न्यू ईयर। इस प्रकार हर महीने 1st January से शुरू होता है, 31st पे खत्म होता है, 1st January न्यू ईयर से लेकर 31st December तक उद्यान चार। उद्यान मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन, डायनेमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर ह्यूमन लाइफ इन ऑल स्पीयर्स, शारीरिक, भावनात्मक, इंटेलेक्चुअल, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप, पारिवारिक, सोशल और आध्यात्मिक, हर लेवल पे इवोल्यूशन है, ग्रोथ, बैलेंस ग्रोथ, टोटल वेलनेस, टोटल ग्रोथ, टोटल हेल्थ। जनवरी में पर्व आते हैं संक्रांति और 26 जनवरी, संक्रांति चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन इन एनवायरमेंट एंड ब्रिंग दैट चेंज इन यू। जो ध्यान करते हैं दिसंबर एंड में और फिर ट्रांसफॉर्मेशन सेलिब्रेट करना है अपनी लाइफ में, इंस्टॉलेशन करके ये प्रोग्राम, ये लाइफ स्टाइल, ये डिवाइन स्टाइल, लॉ ऑफ नेचर स्टाइल, जितने हम करीब आएंगे उतना जीना बहुत आसान हो जाएगा। आपकी हमारी जो स्ट्रगल है वो टोटल उल्टा जीने की स्ट्रगल है, हमको किसी ने बताया नहीं इसलिए ये हो रहा है, ना हमने किसी से पूछा है इसीलिए हम गड़बड़ में हैं। फेब्रुवरी में वैलेंटाइन सेलिब्रेशन आता है, मार्च में शिवरात्रि, अप्रैल में चैत्री मास नवरात्रि, महावीर जन्मोत्सव, जिस दिन परमात्मा महावीर का जन्म हुआ था उस दिन सारे अस्पताल में, आश्रमों में जाकर सेवा करना,
सेवा तो वैसे साल भर चलती ही है, इस एवरीडे इवेंट, बट इन दिनों में नए लोग को जोड़ने का है ये कार्यक्रम होता है। सबको बुलाते हैं, आमंत्रण देते हैं अस्पतालों में, आश्रमों में, और अनुभव कराते हैं कि बाय शेयरिंग हाउ मच हम अपने आप को कितना आनंदित महसूस करते हैं व्हेन यू शेयर समथिंग विदाउट रीजन टू द पीपल हु वांट समथिंग। मई में, अप्रैल में, हाँ होली रह गई है, वो मार्च में आ जाएगी, शिवरात्रि होली मार्च। होली में इस जर्नी फ्रॉम नेगेटिविटी टू डिविनिटी, हमारे सम्यक ज्ञान अग्नि महोत्सव से कहते हैं, सम्यक ज्ञान अग्नि, एक ज्ञान की अग्नि से हमें नेगेटिव को खत्म करना है। फिर सिमंदर स्वामी जन्म महोत्सव आता है अप्रैल एंड या मई में, वो मनाते हैं। जीवित तीर्थंकर परमात्मा का जन्म महोत्सव एक अजीब डिविनिटी लाता है उस दिन, जबरदस्त पता नहीं कहां से क्या चमत्कार होता है, और अखात्रिज अक्षय तृतीया, जीवन की त्रुटियों को तोड़कर तृतीया की स्थापना, अक्षय तृतीया सेलिब्रेशन ऑफ अक्षय तृतीया हर साल हमारे घर पे होता है। महासत्संग और भक्ति, रात को भक्ति होती दोपहर में महासत्संग होता है। जून में इंटरनेशनल योग डे, 3 दिन का सेलिब्रेशन होता है। प्रचार और प्रसार ऑफ दिस सिस्टमैटिक लाइफस्टाइल ट्रेनिंग 3 दिनों में होता है। जुलाई में गुरु पूर्णिमा आती है, गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेशन। अगस्त 15 अगस्त जन्माष्टमी, पर्युषण महापर्व, बस इस प्रकार के पूरा साल सितंबर में पर्युषण, अक्टूबर में आसोमास नवरात्रि, नवंबर में दिवाली सेलिब्रेशन, दिसंबर में वापस हो, पूरी साइकिल कंटिन्यूस चलता है। सो दैट ये भारत की परंपरा है, हर महीने ऐसे होने से हम कभी सो नहीं जाते, अलर्ट रहते हैं, ऐसे सेलिब्रेशन करते हैं, अपने आप को जगाते रहते हैं। और साल में लगभग अगर दिन का काउंटिंग करें तो अराउंड 3 मंथ्स यू स्पेंड, तो आपका 25% लाइफ ऐसे सेलिब्रेशन में जाता है। जो 25% सेलिब्रेट करता है उसका फुल लाइफ सेलिब्रेशन है, क्योंकि उसे 25 के लिए दूसरा 25% मेहनत करना पड़ता है, और ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो साल भर यू विल बी एंजॉयिंग। ये है सत समागम का लाभ, यही चीज गुरुकुल में हम ला रहे हैं, ऑनलाइन गुरुकुल। और 90 करोड़ परिवार को हम ज्वाइन कर रहे हैं, जो ज्वाइन कराने का टारगेट रख रहे हैं। 5 करोड़ लोग हैं अभी, 90 करोड़ परिवार 10 साल के अंदर करोगे ना? Yes. It is through you. This is going to, और आपके थ्रू जाएगा तो दूसरे का तो जो होना होगा आपका तो कल्याण होना निश्चित हो गया, ये बात पक्की है। हाँ बोलिए। अभी प्राणायाम का भी बताया,
वो प्राणायाम नहीं है, प्राण मैत्री है। प्राणायाम इज डिफरेंट थिंग। अभी अच्छा सवाल दिया आपने, प्राणायाम मीन्स आयाम, हार्मोनाइजेशन। नमो श्रीराम गुरु जी। ये प्राणायाम का जो प्राण नहीं भी पता है वो प्राणायाम, तो प्राणायाम अभी सब तो आपके साथ में कर रहे तो हम सही कर रहे बराबर, लेकिन अभी जब घर में करेंगे तो अगर वो सही करने की गलत कर रही तो कैसे मानना पड़ेगा? और प्राणायाम में आगे भी पता है कि अगर सही तो गए तो ध्वस की प्राप्ति समस्या प्रसाद प्राप्त होता है, और केवल ही कुंभक और प्राणायाम, तो उसके बारे में आप थोड़ा प्रसाद ये जो हम सिखा रहे हैं प्राथमिक भूमिका है, समझ गए? हम लोग अभी चाइल्ड स्टेज में, प्ले स्टेज में, ये जो भी हो रहा है ना सामूहिक, वो जो आप बोल रहे हैं वो सब हायर लेवल का बात है। ये जो हम सीख रहे हैं पहले बेस फाउंडेशन मजबूत करना है। जब तक ये मजबूत नहीं होगा ना, लोग क्या करते हैं, जंप करते हैं। हमारे योगाचार्य बैठे हैं यहाँ पर, नितिन भाई, ये योगाचार्य कम से कम 25 साल से इस फील्ड में है, ठीक है? तो वो भी जब कराते हैं तो हमने उनको भी बोला था कि भाई ये आम जनता है ना, उसको सब हायर, वो साधक को कराना है। जो आप जो भी बात करते हैं वो जो हायर लेवल साधना में जाते हैं उनके लिए है, आम आदमी के लिए इतना भी जो अगर कर ले ना तो उसका जीवन तो कम से कम निकल जाए। इधर टारगेट क्या है, वो डे टू डे स्ट्रगल के बांधे हैं, एवरीबॉडी स्ट्रगलिंग, ये सब चीज शरीर के बांधे हैं, प्राण के बांधे हैं, आरोग्य के बांधे हैं, दिमाग के बांधे हैं, इमोशंस के बांधे हैं, पैसे का बांधा है, रिलेशनशिप का बांधा है। ये सब क्या है भारत के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि कोई कुछ भी उठाकर शुरू हो जाता है। किताब में हर चीज का क्रम है, आप पढ़ाई करते हो तो हर एक क्रमिक पढ़ाई करते हो ना, सीधे ऐसे सीधे बुक उठा के पढ़ना शुरू कर देते हो, कभी फल नहीं पड़ता, यही हो रहा है, समझ गए? तो वो सब आएगा। अभी आप जब कोर्स ज्वाइन करेंगे गुरुकुल का, उसमें से लेवल से अभी ये जो चल रहा है लेवल वन है, पर्यूषण है, ये लेवल जीरो है। उपध्यान में आएंगे तो लेवल वन होगा, फिर उससे आगे क्रम, एक एक क्रम आगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे जितनी जिसको जितनी जरूरी है उस और हरेक का अलग होगा। समूह में मास में जो हो रहा है वो सबके लिए होता है, उसके बाद हरेक का इंडिविजुअल होता है। ये एलोपैथी दवाई नहीं है, सबकी प्रकृति अलग है, सबकी लाइफ अलग है, सबकी सोच अलग है, सबका एटीट्यूड वृत्ति अलग है, तो सब कोई भी चीज कॉमन नहीं हो सकता। इसीलिए गुरु की आवश्यकता है, सदगुरु की आवश्यकता है। ही विल डिसाइड, डॉक्टर विल डिसाइड, ही विल प्रिस्क्राइब व्हाट यू रिक्वायर, इस प्रकार होता है। तो जो आप बोल रहे हैं ना, हाँ आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई है, लेकिन अभी उसको ट्रांसफॉर्मेशन लेवल में ले जाना है, ट्रेनिंग करेंगे आस्ते आस्ते तो सब कुछ समझ में आएगा। प्राणायाम और प्राण मैत्री के बीच में डिफरेंस क्या है बताता हूँ। प्राणायाम यानी आयाम, सिंक्रोनाइजेशन, हार्मनी विद नेचर, इसे प्राणायाम कहते हैं। हमारा प्राण होता है इंडिविजुअल प्राण, माइक्रो प्राण, प्राण यानी ऊर्जा, मेरी ऊर्जा अलग है, बाहर की ऊर्जा अलग है। अभी फिलहाल हम जो ओंकार नाद करते हैं ना उसमें यही करते हैं कि बाहर की अनंत ऊर्जा, कॉस्मिक ऊर्जा और हमारी ऊर्जा का मिलन करते हैं। जब वो मिलन हो जाएगा, ब्रिज हो जाएगा, तो हम स्ट्रगल नहीं करेंगे एनर्जी के लिए, ऑटोमेटिक सिस्टम होगा। अभी आपको कौन ये आज तक सुना है क्या ऐसा कुछ? फिर हम आपकी भाषा में बोल रहे, ये मेरा कुछ नहीं है, सब शास्त्रों में है, लेकिन हम आपको ऐसे समझाते हैं, ये ही है गुरु और सदगुरु की जो ब्यूटी है ना, कि किसको कितना कब कैसा जरूरत है वो हिसाब से, इसीलिए गुरुकुल की सिस्टम जरूरी है।
और हमारे भारत के अंदर यहाँ कोई मार्क सिस्टम है ही नहीं। आपने जो किया, आपने उपलब्धि, आपकी जो उपलब्धि हो या आपकी मार्क्स है, कोई आपका ग्रेड है, कोई आपको तपास के ग्रेड दे, वो कोई ग्रेड होता ही नहीं है, वो उसका ओपिनियन होता है। और दूसरे के ओपिनियन पे जीना होता ही नहीं है, भारतीय पद्धति में है ही नहीं। तूने क्या अचीव किया वो ही इम्पोर्टेंट है। तो दिस इज द एजुकेशन पैटर्न ऑफ इंडियन सिस्टम, और वो ही रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। ठीक है, तो प्राणायाम में मैंने बोला ना सिंक्रोनाइजेशन होता है। प्राण मैत्री में क्या होता है कि जो हम चार क्रियाएं करते हैं, कपालभाति क्रिया है, भस्त्रिका की क्रिया है, अनुलोम विलोम की क्रिया है, समझ गए, ये तीन क्रियाएं हैं। तो क्रिया के बीच में लाइफ में कभी भी जो भी आप क्रिया करो, क्रिया के बीच में अंतराल रखो। अंतराल रखने में ऑब्जर्व करो, जो क्रिया की उसको एंजॉय करो। ये एटीट्यूड हम डाल रहे हैं, आप समझ रहे बार बार क्या बोल रहा हूं मैं। ऑब्जर्व, एंजॉय, फ्रेंडशिप, ये आपका मकसद है कोई भी क्रिया करने का। जो भी हमने अभी तक किया आप सुन रहे हो ना बार बार, ऑब्जर्व क्रिया, ऑब्जर्व एंजॉय फ्रेंडशिप, ये आपको हर प्रवृत्ति में डालना है। वृत्ति और प्रवृत्ति, वृत्ति ये है और इसी प्रवृत्ति बनी, तो ये डेवलपमेंट ऑफ वृत्ति है, वृत्ति डेवलप हो जाएगी ना, तो यू आर बिल्डिंग अ न्यू सॉफ्टवेयर। जो आप अभी वृत्ति लाए हो वो गड़बड़ वाली है, कंफ्यूज है, और इसीलिए कुछ ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं, पल्ले नहीं पड़ता है। जानते यहाँ लाइब्रेरी बहुत बड़ी है लेकिन जीवन का कोई ठिकाना नहीं, और किसी ने बताया नहीं भाई इस लाइब्रेरी का इस ज्ञान को कहाँ फिट करना, कैसे फिट करना। ठीक है, तो ये गुरुकुल की पद्धति है। तो हर एक कर्म सर जिसका जो लेवल है उसको उस लेवल का मिलते जाएगा, इसीलिए इट कम्स फ्रॉम मासेस टू क्लासेस। हियर इट इज क्लास, इट इज नॉट मास। मास में क्या होता है, सबको एक ही दवाई दी जाती है और भीड़ होती है वहां, और भीड़ जमाने का एटीट्यूड होता है। यहाँ कोई भीड़ जमाने का एटीट्यूड नहीं, यहाँ फोकस है रिजल्ट, परिणाम, प्रोसेस इज रिजल्ट एंड एंजॉय। तो दिस इज द डिफरेंस, मैंने समझाया था ना कि जैसे जैसे लेवल बढ़ता है वैसे संख्या कम होती है। ग्रेजुएट क्लास में कितने होते हैं, मास्टर्स क्लास में कितने, पीएचडी में तो कितने ही नहीं होते, समझ गए। तो कभी भी भीड़ देखना नहीं है हमें, तो अपने अचीवमेंट देखना है। तो पूरा आपका सवाल था तो शायद मैंने जवाब दे दिया आपके। चलो, आज का दिन अद्भुत है, आज का दिन अद्भुत है, कुछ भी हो जाए मैं आनंद में रहूंगा, मुस्कुराता रहूंगा। हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर परिस्थिति, सबके साथ आनंद में रहूंगा, मुस्कुराता रहूंगा, इंस्टेंट कॉन्स्टेंट परेशान करता रहूंगा, अपने आप को बदलूंगा, ईमानदारी से, अलर्टनेस से, इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा, कंसिस्टेंसी बढ़ाऊंगा। आई लव यू ऑल, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। नमो जी, नमो दर्शन करके प्रणाम, नमस्कार।